तो सिर्फ टैबलेट, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। ये एक फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है और किस तरह की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। क्या बेनिफिट और क्या साइड इफेक्ट इसको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कीटोसिप के बारे में बात करते, इसे सिप्लब कंपनी द्वारा बनाया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी द्वारा, और इसकी जो पैकेजिंग है वह 10 टैबलेट के कॉस्ट जो इसका है 182 रुपया, जो ज़्यादा भी हो सकता है मार्केट में। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वह सिंगल मॉलिक्यूल है कीटोकोनाजोल 200 mg। अब बात करते हैं इसे कब लिया जाता है। जब आपको फंगल इन्फेक्शन रहता है यानी दांत का खुजली रहती है, जैसे कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, जैसे कि मोस्टली इंटरनल पार्ट में, जैसे मुंह में, आपके गले में, आपके वजाइनल पार्ट में, या जैसे आपके पेनिस पार्ट में, या फिंगर नेल में, या टॉय नेल में, या जैसे कि आपको जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है जो कि इंटरनली हुआ है, और जैसे कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन दांत का खुजली कहीं भी हुआ है, जैसे कि आपको इस तरह का भी इन्फेक्शन है, जैसे टीनिया पीडिस, टीनिया क्यूरिस, टीनिया कार्पस, टीनिया बारबर, टीनिया एंजियम, और जैसे आपको सेब्रोहिक डर्मेटाइटिस हुआ है, और जैसे कि सेहुमा हुआ है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप अगर अडल्ट है तो इसका ओडी डोज रहता है, और इसे खाना खाने के 10-15 मिनट बाद लेना चाहिए ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिले। इसे चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना, डायरेक्ट पानी के साथ में निगलना है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो के एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में गैसेस हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, आपको खुजली हो सकती है, डायरिया फील कर सकते हैं, यानी आपको बार बार बाथरूम जाने। तो अगर का डाउट है डायरेक्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके मुझे काफ़ी आपसे हेल्प की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट वीडियो में पूछ सकते हैं।